और ये निशान भी ऑन हो चुका है, तो कूलेंट भी हाई हो चुका है, मुझे लगता है गाइस इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। पूरी रेस्क्यू टीम यहाँ पे आई हुई है, तो भाई के थोड़े से निशान तो गाइस यहीं पे ही है। आगे चलते हैं, यहाँ देखो गाइस रोड ही कट गया है। यहाँ पे एक बिल्डिंग थी गाइस जिसका भी नामो निशान नहीं है, अब वो बिल्डिंग सामने पड़ी है, देखो कितना करोड़ों का नुकसान हुआ होगा, सोच सकते हो आप। सामने मीटर में चेक करो, बुलेट हाई, वो देखो गाइस नीचे लोग, तो भाई देखो गाइस नदी आपकी यहाँ पे और नदी यहाँ से आपकी यहाँ तक पहुँच गई थी, यहाँ तो सारे में यहाँ पे रेत रेत लगी हुई है, उन्हें फिर रेस्क्यू करके यहाँ से पेड़ में रस्सी बांध के यहाँ से ऊपर खींचा गया था यहाँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों बहुत टाइम बाद आपका प्रिंस भाई यूट्यूब में वापस आ रहा है, बहुत सारे रीज़न हैं यूट्यूब में ना रहने के, मेंटल इशू और थोड़ा हेल्थ इशू। तो गाइस अभी भी मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैं यूट्यूब को अभी भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। और हाँ गाइस आपको बता दूँ, ये जो शूट हो रहा है ये आईफोन से हो रहा है, आपके प्रिंस भाई ने आईफोन ले लिया है, तो वो भी मैं आपके लिए एक स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगा, अनबॉक्सिंग तो क्या कहेंगे उसे, बस आपको रिवील करा दूंगा कौन सा फ़ोन लिया है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो हमारे हिमाचल में फ्लड की वजह से जो भारी नुकसान हुआ है, तो यहां का एक बार मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। गाइस लुक चेक करो, और आईफोन से क्या सुपर क्लैरिटी आती है गाइस। चलो निकलते हैं गाइस अब इन लोकेशन की तरफ, कोशिश करता हूं कि मैं भी थोड़ा कवर कर लूं। यूट्यूब में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग उस पॉइंट को बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं अपने ब्लॉग में, तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक छोटी सी शुरुआत कर ही लेता हूं आज। तो गाइस ये वाला जो ब्रिज है यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है, तो भाई के थोड़े से निशान तो गाइस यहीं पे ही है, आगे चलते हैं। यहाँ देखो गाइस रोड ही कट गया है, मुझे लगता है शायद ये शमशान है गाइस, तो इसके दोनों तरफ से बाढ़ आ चुकी थी, डस्टिलर भी खड़ा हुआ है। तो गाइस ये आपका मनीकन के जो रास्ते में गांव पड़ता है शाट, तो तवाई गाइस सामने तवाई चेक करो, जो एक वीडियो बहुत वायरल हो चुकी है, ये वो बिल्डिंग गाइस सामने चेक करते हो, बिल्डिंग का मतलब अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ है, यहाँ से आगे नहीं जा सकते गाइस, मुझे लगता है यहाँ से। तो गाइस ये वो सामने सब्जी मंडी, देखो क्लिप मैं डाल दूंगा गाइस क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायरल क्लिप है, भी सबने देख ली है। यहाँ पे एक बिल्डिंग थी गाइस जिसका भी नामो निशान नहीं है, अब वो बिल्डिंग सामने पड़ी है, देखो कितना करोड़ों का नुकसान हुआ होगा, सोच सकते हो आप। सामने मीटर में चेक करो, कूलेंट हाई, और ये निशान भी ऑन हो चुका है, तो कूलेंट भी हाई हो चुका है, मुझे लगता है गाइस इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत गर्मी है गाइस। तो बाइक को थोड़ा रेस्ट देते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे छाँव में खड़ी की हुई है। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं मलाना गेट के पास, वालों की भी ड्यूटियाँ लगी हुई है गाइस, वो देखो गाइस नीचे लोग, यार समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं, दोनों तरफ लोग गए और एक बीच में आप देख ही रहे होंगे एक कार है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, ये कुछ चीज़ें निकाली जा रही है, समझ नहीं आ रहा गाइस। तीन से चार लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, उन्हें फिर रेस्क्यू करके यहाँ से पेड़ में रस्सी बांध के यहाँ से ऊपर खींचा गया था,
तो यहाँ वो चले गए थे गांव में, जो है गांव सामने पड़ता है। पर एक बार गाइस यहाँ पे आप एक बार तवाही का मंजर चेक करो। तवाही देखो गाइस, नदी आपकी यहाँ पे और नदी यहाँ से आपकी यहाँ तक पहुँच गई थी। यहाँ तो सारे में यहाँ पे रेत रेत लगी हुई है, तो आप सोच ही सकते हो पानी का लेवल कितना था। और यहाँ पे देखो पहाड़ का छोटा सा हिस्सा देखो कितना नीचे आ गया था पानी की वजह से। पूरी रेस्क्यू टीम यहाँ पे आई हुई है, उस सामने देखो पहाड़ी में वो देखो, इसी को तो गाइस यहाँ से खींच के निकाला जा रहा है। पूरी रेस्क्यू टीम यहाँ पे आई हुई है, सारे काम करने वालों के लिए टेंट लगे हुए हैं। बंदे आ गए, रास्ता बंद है। तो गाइस यहीं तक आपका सफर था। तो गाइस लास्ट पॉइंट यही है आपका, यहाँ से आगे रोड बिल्कुल ही कट चुका है। इमेजिन करो नीचे सारा पानी, जो डैम का पानी टूट के आया होगा वो इतने छोटे एरिया में कैसे, मुझे लग रहा है शायद पानी ऊपर तक आया था शायद। नदी का जो फ्लो इतना बढ़ चुका था, सड़क ही काट दी गाइस देखो, सड़क का सारा मलबा नीचे गिर गया है। वो देखो गाइस सामने जंगल के बीचों बीच बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, क्योंकि जो ये इलाका है गाइस ये सारा कैंपिंग का इलाका है। ये है गाइस अभी क्रेन, यहाँ से बड़े माल ले जा जाता है। इतने नज़दीक नदी भाई इस रेस्टोरेंट के लिए, घर ही है शायद, होटल है शायद, क्योंकि यहाँ देखो गाइस ये है कोई कैंपिंग साइट। इस तरफ के टेंट्स लगे हुए हैं और दूसरी तरफ देखो सारा वुडन का है, सारा कॉटेज टाइप में। हम जो है कसोल पहुँच चुके हैं, वुडन का और हैंडमेड का सामान मिलता गाइस यहाँ पे इस मार्केट में। पत्थर के ऊपर ये पुल बना गाइस आप चट्टान के ऊपर, दो चट्टान है उसके बीच में। वाह यार चेक करो भाई, देखो आज यार जबरदस्त है। तो भाई जी दो भाई मिले हमें यहाँ पे, भाई कहाँ से हो आप? पंजाब से? तो यहाँ घूमने हैं आप? हाँ। तो कुछ बोलना चाहोगे व्यू के बारे में? जो रास्ता कटा हुआ है और फ्लड आया हुआ है, सही है। अच्छा तो आ सकते हैं टूरिस्ट बार से यहाँ घूमने? हाँ, आ सकते हैं। रोड ठीक है? रोड ठीक है। ये स्टार्ट वाला, ये फर्स्ट वाला। मैं कुल्लू से, कुल्लू से ब्लॉक के थ्रू हम दिखा रहे हैं ना कि ये जो सड़क है, आ सकते हैं यहाँ पे घूमने फिरने, आ सकते हैं। तो रात में थोड़ा अंदर रहो ना, और थोड़ा नदी से दूर रहना, थोड़ा होटल वगैरह ना नदी से दूर लेना। ठीक है भैया, चलो ठीक है, थैंक यू। जो छोटा सा ब्रिज बना हुआ है ये भाई, मैं तो यहाँ से नहीं उतरूँगा, बहुत डेंजर है भाई ये। तो वो देखो भाई पानी का फ्लो, ये ब्रिज जो है आपका दो चट्टानों के ऊपर बना हुआ है भाई, बहुत पटरियाँ से चलते हुए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मणिकरण, तो सामने है आपका मणिकरण का बस स्टैंड। तो अपनी बाइक को यहाँ पे लगा के हम गाइस निकलते हैं आगे। नदी का फ्लो चेक करो भाई, पुल के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुकी है नदी। गाइस हम पहुंच चुके हैं मणिकरण की मार्केट। ये है आपका राम मंदिर, जिसका गेट का काम अभी चला हुआ है, देख ही सकते हो आप। ये देखो गाइस इस घर के पास यहाँ पे पहुंच गई नदी, आप चेक कर सकते हो।
वो देखो गाइस, पहले हम सामने उस ब्रिज के पास थे और नदी देखो गाइस कितना नज़दीक आ चुकी है। गाइस सामने चेक करो, शिव भगवान जी का मंदिर। बहुत सारे लोग यहाँ शिव भगवान की मूर्ति का फोटो खींच रहे हैं। अरे अरे अपने नंदी महाराज जी, यहाँ देखो गाइस मैं बिल्कुल एंड पॉइंट पे खड़ा हूँ। ये गाइस यहाँ पे आपका नहाने का कुंड आई थिंक नहाने के लिए है, गर्म पानी का। तो महादेव आज्ञा दीजिए, निकलते हैं यहाँ से। हर हर महादेव। चेक करो अब यहाँ पे क्या मस्त है यार, चलो नीचे जाके देखते हैं एक बार। तो गाइस लोकेशन के अंदर हम पहुँच चुके हैं, ये आपका एंट्री।